है स्वराज एक्सप्रेस में हूँ आपके साथ बच्चा और छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में सबसे पहले खबर, जहाँ स्वैच्छिक समुदाय सेवा के माध्यम से युवा छात्रों के व्यक्तित्व और चरित्र के विकास के उद्देश्य से राष्ट्रीय सेवा योजना यानी एनएसएस को 1959 में शुरू किया गया और जिसमें भूपेश सरकार के सपोर्ट ने एनएसएस के स्वयं सेवकों में नए ऊर्जा का संचार किया है। कैसे, देखिए हमारे खास रिपोर्ट में। राष्ट्रीय सेवा योजना के स्थापना दिवस पर आयोजित स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कई बड़ी घोषणाएं करते हुए एनएसएस को एक साथ कई सौगातें दी। उन्होंने पुरस्कारों की राशि बढ़ाकर अधिकतम 3 लाख तक कर दी है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि अब राज्य स्तरीय शिविर के लिए 10 लाख तक की राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने पुरस्कार योजना के अंतर्गत संस्थाओं को दिए जाने वाले संस्थागत पुरस्कार की राशि 10,000 रुपए से बढ़ाकर 20,000 रुपए, कार्यक्रम अधिकारी पुरस्कार की राशि 5,000 से बढ़ाकर 11,000 रुपए और छात्रों के लिए स्वयंसेवक के पुरस्कार की राशि 4,500 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए करने की घोषणा की है। कुछ मांग हमारे उच्च शिक्षा मंत्री और सिंह साहब ने की है। मुझे खुशी है आप मांग नहीं भी करते, ऊपर भी मैं घोषणा करने वाला हूँ। आपके सेवाभाव का सम्मान करते हुए आज मैं घोषणा करता हूँ कि पहले आप लोगों के लिए मात्र 7 पुरस्कार थे जिसमें 50,000 रुपए की राशि थी, उसे बढ़ाकर पुरस्कारों की संख्या 26 और राशि 3 लाख रुपए कर दी गई। इसमें संस्थागत पुरस्कार की राशि 10,000 से बढ़ाकर 20,000 रुपए, कार्यक्रम अधिकारी के स्तर पर पुरस्कार की राशि 5,000 से बढ़ाकर 11,000 रुपए और छात्र छात्राओं के पुरस्कार राशि 4,500 से बढ़ाकर 10,000 रुपए शामिल किया गया। इसी प्रकार राज्य स्तरीय शिविर के लिए प्रति वर्ष कितना होना चाहिए, अभी कितना है कुछ नहीं है, राज्य स्तरीय शिविर के लिए प्रति वर्ष 10 लाख रुपए का दिया जाए। ये राष्ट्रीय सेवा योजना के सारे सेवकों के लिए बहुत उत्साह को प्रदर्शित करने वाला है और अभी तक ये कहा जाता रहा है हमेशा कि एनएसएस एक गरीब है और राशि नहीं रहती है, फिर वो सेवा करते हैं हम लोग। लेकिन मैं सोचती हूँ कि सेवाएं तो उसी प्रकार से होती रहेगी, लेकिन अगर कि छात्र छात्राओं को इस तरह से प्रोत्साहित किया जाता है, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये राशि जो प्रदान की गई है उससे हमारा एनएसएस परिवार बहुत खुश है और आगे बहुत अच्छा काम करने की कोशिश वो करेगा, प्रेरित हुआ है उससे। तो वहीं सीएम ने कहा कि राष्ट्रीय सेवा योजना के माध्यम से देश के विकास को गति मिली है। एनएसएस में काम करने वाले विद्यार्थियों ने हमेशा राष्ट्रहित के भावनाओं से काम किया है। एनएसएस ने अपने 50 साल के इस कार्य अवधि में ना जाने कितने ही ऐसे काम किए हैं जो अतुलनीय हैं। फिर चाहे 1973 में भीषण अकाल के बीच जन सेवा का कार्य हो या फिर उसके बाद साक्षरता, जल प्रबंधन जैसे कार्य, एनएसएस ने गांधी जी के सपनों को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज का दिन जितना महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सेवा योजना के लिए है उससे भी अधिक महत्वपूर्ण मेरे लिए भी है, क्योंकि मैं इसके माध्यम से गौरवशाली इतिहास से जुड़ रहा हूं। एनएसएस के माध्यम से आज मैं एक बार फिर
आरडीएम चलनी, उस प्रकाश को अपने भीतर महसूस कर रहा हूँ जिसके अलग महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने जैसे महान देशभक्तों ने जगाई थी। इलेक्शन के इतिहास के बारे में अभी मेरे पूर्व वक्ता ने आप सबको बताया, इसके बनाने का उद्देश्य क्या है, किस प्रकार से हमारे छात्र छात्राओं को राष्ट्रीय मिशन से जोड़ा जाना चाहिए, सकारात्मक कार्यों के माध्यम से युवा शक्ति को जोड़ने का कार्यक्रम का दूसरा नाम एनएसएस। एनएसएस आज पूरे 50 साल पूरे कर लिए, इन 50 वर्षों में हम देखें किस प्रकार से इन्होंने काम किया। जहां छात्र छात्राएं किसी एक गांव को चयन करके गांव की समस्या समझने का प्रयास करते हैं, वहीं गांव की व्यवस्था सुधारने में अपना सहयोग देते हैं श्रमदान के माध्यम से। राष्ट्रीय स्तर पर भी अनेक बार ऐसा समय आया कि एनएसएस ने उन मुद्दों को अपने हाथ में लिया। 1973 में जो अकाल पड़ा था उस समय हमारे एनएसएस ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। 74 में गंदगी और रोग निदान के लिए, 75 में आर्थिक विकास और ग्रामीण नवनिर्माण, 85 से 93 तक साक्षरता, 91 से 92 तक एस के खिलाफ जागरूकता, 95 में सांप्रदायिक सद्भावना, 96 में वाटर सेफ प्रबंधन, ऐसे कार्यक्रम हैं जो राष्ट्रीय स्तर से जुड़ा हुआ है। एक सकारात्मक सोच का ही परिणाम है जो राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों को लेकर इनसे सामने आया है। आदरणीय साथियों, आज जिस प्रकार से जिन महापुरुषों ने देश की आजादी के लिए, देश के नवनिर्माण के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया, उसके बारे में बहुत ही अपमानजनक बातें कही जाती हैं, लेकिन राष्ट्रीय सेवा योजना से जुड़े हुए साथी सकारात्मक मुद्दों को लेकर, हमारे महापुरुषों के आदर्शों को लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं। तो जो सकारात्मक काम करके सकारात्मक ऊर्जा पैदा करने का काम हमारे राष्ट्रीय सेवा योजना के साथियों ने किया है, मैं आपसे निवेदन करता हूं आप एनएसएस के लिए एक बार जोरदार ताली बजाकर इस माध्यम से जुड़े हैं, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। सेवा के माध्यम से ही सेवा और समर्पण, त्याग और बलिदान से ही देश का निर्माण हो सकता है। कुछ लोग हैं जो शॉर्टकट किसी को बदनाम करिए और आगे बढ़ जाइए, ये ध्येय लक्ष्य एनएसएस का नहीं हो सकता, और आप लगातार उस दिशा में काम कर रहे हैं। हमारा देश विभिन्न भाषा, विभिन्न जाति संस्कृति से बना हुआ देश, अनेकता में एकता, और इसके लिए आवश्यक है हमारे बीच में समरसता हो, भाईचारा हो, प्रेम हो, सौहार्द हो, करुणा हो, सहिष्णुता हो। आज जो युवा शक्ति है एनएसएस के माध्यम से ये काम लगातार कर रही है, इसके लिए मैं बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। गांव में सामुदायिक विकास करने के मामले में राष्ट्रीय सेवा योजना अग्रणी है।
राष्ट्रीय सेवा योजना के छात्र हमेशा महापुरुषों के आदर्श पर चलकर काम करते हैं। उनके मन में किसी भी नेता या दल के लोगों का प्रभाव नहीं होता। वे शॉर्टकट के रास्ते नहीं चलते हैं, कठिन चुनौतियों के बीच संघर्ष के बलबूते कार्य करते हैं। समारोह में उपस्थित राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक विद्यार्थियों ने अपने स्थान पर खड़े होकर ताली बजाकर मुख्यमंत्री की इन घोषणाओं का स्वागत किया। राज्य स्तरीय शिविर के लिए प्रति वर्ष 10 लाख रुपया का दिया जाए। मंत्री उमेश पटेल ने एनएसएस के जीवन में प्रभाव और महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि एनएसएस का विद्यार्थी जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है, लेकिन एनएसएस में भाग लेना ही काफी नहीं है, बल्कि एनएसएस से जुड़कर इस प्रकार के कैंप के दौरान पूरी ईमानदारी एवं निष्ठा से काम करना चाहिए। एनएसएस कैंप में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को ही ABC ग्रेड मिलता है। भारतीय सेना में भी ग्रेड के हिसाब से लाभ मिलता है, इसीलिए एनएसएस से जुड़े विद्यार्थियों को पूरी ईमानदारी से अपना कार्य करना चाहिए। राष्ट्रीय सेवा योजना को सामाजिक कार्यों और शिक्षा तथा राष्ट्रीय जागरूकता के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि इस प्रकार के आयोजनों से छात्र छात्राएं जीवन की वास्तविकताओं से परिचित होते हैं। स्थापना दिवस का ये कार्यक्रम हर साल होता है और ये छत्तीसगढ़ में माननीय मुख्यमंत्री जी पिछले 18 साल में पहली बार आए हैं, तो ये एक बड़ी उपलब्धि है और सबको मोटिवेशन मिला है और जो घोषणाएं हुई हैं वो भी काफ़ी अच्छी है, क्योंकि एनएसएस का हमेशा ये प्रॉब्लम था कि कहीं से फंडिंग की उनको कमी होती थी, तो अब ये उनको जो मिल रहा है उससे उनको उनके काम में बड़ा अच्छा उनको फायदा हुआ। तो वहीं एनएसएस के संचालक ने एनएसएस के दायित्व और एनएसएस के फायदे कार्यक्रम में शामिल प्रदेश भर के हजारों स्वयंसेवक को बताते हुए कहा कि साक्षरता संबंधी कार्य, पर्यावरण सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं सफाई, आपातकालीन या प्राकृतिक आपदा के समय पीड़ित लोगों की सहायता करना एनएसएस का कार्य होता है। एनएसएस से जुड़ने से एनएसएस के इतिहास व दर्शन, स्वामी विवेकानंद का जीवन दर्शन, नारी सशक्तिकरण, लीडरशिप व व्यक्तित्व का विकास, युवा विकास, सकारात्मक एवं निषेधात्मक सोच, युवा वर्ग को व्यवसाय, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय युवा नीति के साथ विद्यार्थी जीवन से ही समाज उपयोगी कार्यों में रत रहने से उनमें समाज सेवा एवं राष्ट्र सेवा के गुणों का विकास होता है। और मेरे साथ मेरे विद्यालय के 15 बच्चे थे जिन्होंने लोक संस्कृति पर, आदिवासी संस्कृति पर, छत्तीसगढ़ की संस्कृति पर गेड़ी नृत्य बहुत शानदार प्रस्तुत किया
और इन्होंने सीएम साहब की अगवानी भी की और यहाँ के जो हमारे छत्तीसगढ़ की परंपरा थी उसको पुनर्जीवित करने के लिए जैसे कि हमारे सम्मानित सीएम साहब का पहल है उसके अनुरूप हमारे विद्यालयों में ऐसा कार्य हो रहा है और हमने यहाँ पर 23 तारीख को 9 बजे उपस्थिति दी और इसी के साथ साथ आज 24 तारीख को स्थापना दिवस एनएसएस का जो है उसके अवसर पर सम्मानित सीएम साहब आए और इस कार्यक्रम की समापन हुई और हमारे बच्चे प्रफुल्लित हैं और साथ ही साथ पूरे छत्तीसगढ़ में यह मैसेज गया है इस नृत्य के साथ में, इस गेंडी नृत्य के साथ में, कि हमारी जो परंपरा का नृत्य है, हमारे जो छत्तीसगढ़ के वास्तविक में जो संस्कृति है उसको हमें कैसे संरक्षित करना है और कैसे हमको आगे बढ़ाना है, इस पर हम बच्चों ने बहुत सुंदर प्रस्तुति देकर के पूरे छत्तीसगढ़ में यह संदेश फैलाया है। इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सीएम ने जो आज घोषणा है की कितना ऊर्जा मिलेगा इसको? इससे हमारे एनएसएस के जो विंग है, हमारे एनएसएस की जो इकाइयां हैं उसको बहुत ऊर्जा मिलेगा और हम बहुत सारे इवेंट जो है इस माध्यम से कर पाएंगे और लोगों के जन जन तक के जाकर के ग्रामीण क्षेत्रों में, चूंकि एनएसएस की इकाई है, प्रत्येक हायर सेकेंडरी हाई स्कूलों में ये इकाई है और वहां पर जाकर के हम इन इकाइयों के माध्यम से स्वच्छता, जल संरक्षण और लोक संस्कृति, छत्तीसगढ़ की वेशभूषा परंपरा और छत्तीसगढ़ की जड़ी बूटियां और हमारे जितने तीज त्यौहार हैं, पारंपरिक लोक नृत्य है, सारे का संरक्षण और संवर्धन हम बखूबी कर सकेंगे और हम पर्यावरण को भी बचाने के लिए एक अच्छा मुहिम चला सकेंगे। इसलिए हम सम्मानी सीएम साहब का बहुत बहुत दिल से आभार व्यक्त करते हैं। सेवा योजना का ये स्थापना वर्ष है, 50 वर्ष राष्ट्रीय सेवा योजना के पूरे हुए हैं। इस अवसर पर 27 जिलों के कार्यक्रम अधिकारी, जिला संगठक, कार्यक्रम समन्वयक और स्वयं सेवक यहाँ पर उपस्थित हुए। यहाँ पर राष्ट्रीय सेवा योजना का जो परंपरागत खेल है और सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किए गए और इसके साथ ही जो सर्वश्रेष्ठ कार्यक्रम अधिकारी, सर्वश्रेष्ठ संस्था का जो पुरस्कार है यहाँ पर दिया गया, विभिन्न खेलों और विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के पुरस्कार भी यहाँ दिए गए। सीएम साहब ने पहले राष्ट्रीय सेवा योजना के संदर्भ में उनके तरफ से बहुत सारी घोषणाएं जो कि कार्यक्रम अधिकारी स्तर पर और स्वयंसेवक स्तर पर और संस्था स्तर पर जो पुरस्कार दिए जाते हैं उसको डबल से अधिक बढ़ा दिया गया है और पुरस्कारों की संख्या में वृद्धि की गई है। ये राष्ट्रीय सेवा योजना के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है आज का दिन कि हमारे प्रदेश की मुखिया जो है राष्ट्रीय सेवा योजना को इस तरीके से तवज्जो दिए और पुरस्कारों की संख्या को ही नहीं बढ़ाए वरन राशि को भी उन्हें काफी मात्रा में बढ़ाए और राज्य स्तर के शिविर के लिए अभी तक कोई राशि का प्रावधान नहीं था तो राज्य स्तर के शिविर के आयोजित करने के लिए भी उन्होंने 10 लाख की जो है हर साल 10 लाख रुपए घोषणा देने की घोषणा की। ये राष्ट्रीय सेवा योजना के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि इसमें जो है राज्य शासन जो है हमारे जो प्रदेश के मुखिया हैं वो राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम को सराह रहे हैं, उनकी नजदीक से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ये निश्चित रूप से राष्ट्रीय सेवा योजना के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि भरा दिन रहा। सरकार आपके हाथों या सहयोग दे रही है, अब किस तरह से आप लोगों को ऊर्जा मिलेगा, किस तरह से नई कार्यक्रम? सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना है उसको पहले भी जो है राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयं सेवकों के माध्यम से हम जो है जन जन तक पहुँचाते थे, सामाजिक समरसता से संबंधित कार्य करते थे, नव निर्माण के कार्यक्रम करते थे। अब राशि बढ़ने से हमारे अंदर उत्साह ज्यादा आ गया, जो कहीं न कहीं एक आर्थिक पहलू जो होता है, क्योंकि 7 दिन का 10 दिन का कैंप इतने कम पैसे में जो लगते थे उसमें निश्चित रूप से जो जब राशि बढ़ती है तो उस कार्यक्रम को हम उसका क्रियान्वयन भी बहुत अच्छी तरीके से हो सकता है। तो निश्चित रूप से इस राशि के बढ़ने से राष्ट्रीय सेवा योजना की गतिविधियों में और तेजी आएगी और बहुत अच्छे हमारे स्वयंसेवक उत्साहित होकर कार्यक्रम करेंगे। मैं राष्ट्रीय सेवा योजना परिवार की ओर से प्रदेश की मुखिया को मैं बहुत बहुत उनका आभार व्यक्त करता हूँ। निश्चित रूप से उनका ये कार्य जो है राष्ट्रीय सेवा योजना के प्रति सहयोग जो है काफी सराहनीय है कि 50वीं वर्ष के उपलक्ष्य में और महात्मा गांधी के 150वीं स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में यह राज्य स्तरीय स्थापना दिवस का वर्ष हम यहाँ पर ससम्मान 2 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित करके यहाँ पर मनाए हैं और जिसमें यशस्वी मुख्यमंत्री की जो ग्राम में जो योजना है नरवा गुरवा भारी बारी उसी योजना जो हमारे बापूजी महात्मा गांधी जी का जो थीम रहा है उसी को कहना चाहिए कि उसको पुनः व्यवस्थित ढंग से उसको गांव तक ले जाने और उसको अच्छे ढंग से करने के लिए यह जो कार्यक्रम आयोजित किया गया। समान समारोह में सम्मानित होकर प्रशिक्षक और उत्कृष्ट स्वयंसेवक गौरवान्वित महसूस कर रहे थे।
बना हुआ है। इस संस्थान से जुड़े हैं हम लोग, इसलिए बहुत खुश हैं। हमको बहुत अच्छा लग रहा है कि प्राइज पाके हम लोग यहाँ से कुछ लेके जा रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी का हम लोगों ने प्रतिनिधित्व किया था लोक नृत्य के संबंध में, और छत्तीसगढ़ की संस्कृति को पूरी तरह से हम लोगों ने उकेरने का प्रयास किया था छत्तीसगढ़ के कैनवास पर एक नृत्य के माध्यम से, जिसमें भोजली सुआ नृत्य और गेड़ी नृत्य, सुआ नृत्य है और पंछी नृत्य था, और इस तरह से गौरा गौरी सभी को हम लोगों ने बताया। और छत्तीसगढ़ में जो महानदी अर्पा और इंद्रावती नदी है कि किस तरह से छत्तीसगढ़ माता के पैर पसारती हैं, और जो ददरिया के माध्यम से जो हमारे युवक युवतियाँ बहुत खुशी खुशी यहाँ पर धरती माता की गोद में अपना जीवन जीते हैं, उसी प्रसन्नता को व्यक्त करता हुआ हमारा ये कार्यक्रम था, और जिसको कि लोगों ने काफी सराहा, काफी एंजॉय किया है, और हमें ये प्राइज मिला है। हमारा प्रयास सफल हुआ है, हमें बहुत खुशी है। सर, राष्ट्रीय सेवा योजना के मार्गदर्शन पर मैं सड़क निर्माण और अन्य कार्य कर मैं इस संस्था पर यहाँ तक पहुँचा हूँ, जो कि मेरे सोमदास साहू सर, सुरेश पटेल साहू सर के द्वारा यहाँ इस मंच पर पहुँचा हूँ। मुझे बहुत गर्व की बात हो महसूस हो रहा है कि मैं इस बहुत बड़े वार्ड पर यहाँ पहुँचा हूँ। बस धन्यवाद। आज जो कार्यक्रम में बड़े बड़े ऐलान हुए, सीएम का घोषणा किए हैं, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? उसको लेकर मैं यह कहना चाहता हूँ कि इस हमारा जो उस कार्य को पालन करेंगे और जबरदस्त तरीके से उसको आगे बढ़ाते रहेंगे, यही मार्गदर्शन आगे की ओर ले चलेंगे। हम लोग यहाँ रिले रेस में भाग लिए थे और हम लोग यहाँ पार्टिसिपेट किए और हम लोग यहाँ फर्स्ट आए और हम लोगों को ये इनाम मिला है। संस्कृत कन्या महाविद्यालय धमतरी से है और हम लोग ने NSS स्थापना दिवस पे रिले रेस प्रतियोगिता पे हम लोग ने फर्स्ट आए, फर्स्ट प्राइज हम लोग को ये मिला है। सर, हम लोग रस्ता कस्ता में पार्टिसिपेट किए थे अपना पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी की तरफ से, और जिसमें हम लोग फर्स्ट प्राइज प्राप्त किए हैं। हम लोग सब हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग से आए हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए आए थे, और दो दिवसीय का ये शिविर लगा था जिसमें माननीय CM सर जी आए थे और उनके आशीर्वचन बहुत अच्छा सुनने को मिला, जानने को मिला, और बहुत यहाँ पे आके बहुत अच्छी जानकारी हमें मिली, और हमारा प्रदर्शनी जो है प्रथम स्थान पे रहा, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। क्या कार्यक्रम था? हमारा कर्म नृत्य था, तो कर्म नृत्य में हम लोग पूरे 20 मिनट तक नृत्य किए हैं, और उसमें सभी प्रकार के छत्तीसगढ़ पारंपरिक वेशभूषा का प्रदर्शन अच्छा रहा। बड़े बड़े वक्ताओं के वक्तव्य से NSS में जो विद्यार्थी आए थे उनमें नई ऊर्जा का संचार हुआ, साथ ही युवा वर्ग को अपने दायित्व को समझने एवं समाज में फैली बुराइयों को दूर करने का मार्ग सुझाया गया। राष्ट्रीय सेवा योजना के मंच में युवाओं को नोट मी बच यू भावना से ओतप्रोत किया गया। 2 अक्टूबर 1969 में समाज निर्माण के उद्देश्य से राष्ट्रीय सेवा योजना की शुरुआत की गई, और आज राष्ट्रीय सेवा योजना समाज निर्माण में अपनी महती भूमिका निभा रहा है। कैमरामैन रेखराम देवांगन के साथ सत्यपाल सिंह राजपूत की रिपोर्ट।